कोई भी मोटर हो पंप का प्रॉब्लम 100% एनुअल हो जाता है, जो कि गैस आपके भी अगर घर में होगा मोटर तो वो नया नया में पानी फूल देता है और जैसे जैसे वो मोटर को यूज करते हैं धीरे 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 उसका पावर घटने लगता है। तो गैस क्या कारण है जो कि पानी कम देने लगता है? तो गैस बिल्कुल सिंपल है, एक मोटर जो कि देख पा रहे होंगे उसमें वाल्व सील होता है, कंट्रोलर होता है, बस दो ही चीज़ से पानी घटना बढ़ना या तो किसी किसी में प्रेशर कम हो जाता है जो कि ऊपर 2-3 मंजिल पर नहीं चढ़ा पाता है। तो गैस इस तरह से अगर आप परेशान है तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहे, क्योंकि पूरी बारीकी से आज हम बताने वाले हैं इसका कैसे हम वेल सील एंड एम्पलर वगैरह चेंज करेंगे एंड बैरिंग वगैरह भी ग्रीसिंग करेंगे। इस चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ सके। सो गाइज ये अब मोटर, अब ये सबसे पहले हम पंप खोलेंगे जो कि देख पा रहे होंगे ये 8 नंबर से ये खुल जाता है। तो गाइज यहाँ से पहले पंप को हम खोल कर बाहर निकाल लेंगे, क्लियरली हमको एम्पलर यहाँ पर दिखाई देगा खोलने के बाद। यहाँ गाइस खोलने के लिए पेचकस हम लगा रहे हैं, पेचकस से इस तरह से करने से खुल जाता है, नहीं तो हथौड़ी से भी दोनों साइड ठोकने से खुलता है। तो गाइस वो देखिए पानी उसमें पहले से था जो बाहर निकल गया था, फिर साफ करके ये देखिए एम्पलर गाइस दिखाई दे रहा है। ये एम्पलर गाइस बिल्कुल सही अभी लग रहा है, लेकिन हालांकि इससे हम पूरा क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो फाइनल गाइस ये एम्पलर पुलर है जो कि इससे ही एम्पलर खुलता है बहुत आसानी से। ऐसे अगर नहीं खुलता है तो गाइज हथौड़ी से खोलना होता है, हथौड़ी पेचकस वगैरह लगा कर। दूसरा टाइप भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज यहाँ एम्पलर से अभी हम ये खोल रहे हैं जो कि देख पा रहे होंगे। तो गाइज ये 8 नंबर का यहाँ भी नट लगता है, पंप में जो नट रहता है वही नट को यहाँ से हम लगा कर खोलते हैं, या तो कोई और दूसरा नट भी ले सकते हैं। तो गाइस काफ़ी इजीली यहां से गाइस खुल जाता है, किसी किसी में नट रहता है तो नट से भी खोल लेते हैं। तो गाइस देखिए ये खुल गया है, तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का गाइस ये खिया गया है हालांकि, लेकिन चलेगा। और गाइस ये लॉक है जो कि एम्पलर लॉक है, एम्पलर को पकड़ रखता है। तो गाइस इस लॉक को पहले यहाँ से खोल लेना है जो कि एम्पलर भी खुल रहा है। एम्पलर ये गाइस खुलने के बाद, लॉक को खुलने के बाद फाइनल आपको वाल्व सील दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले ये लॉक का आप देख सकते हैं लॉक रहता है जो कि ये वाल्व सील लॉक है। तो गाइस ये वाल्व सील लॉक का बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी होता है, नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये पानी नहीं पकड़ेगा, इसलिए वहाँ कटिंग किया हुआ रहता है, उस जगह ये लॉक बैठा हुआ रहता है। तो लॉक भी लॉक प्लस भी आता है तो इसे खुल गया। तो गाइस ये वाल्व सील अब निकल रहा है, इस तरह से वाल्व सील को निकालना होता है, तो वाल्व सील भी निकल गया। फाइनल गाइज इसको चेक कैसे करेंगे, या ख़राब है या सही है। तो गाइज इसमें पानी भर कर जब हम दोनों बगल से प्रेस करेंगे तो अगर पानी बाहर नहीं निकलता है तो सही है, अगर पानी निकल जाता है इधर उधर से लीक रहता है पता चल जाता है। फाइनल गाइज हमें फिर वाशर खोलने के लिए हम पीछे से पूरा मोटर को हमें खोलना पड़ेगा। उससे पहले हम ढक्कन को खोल लिया, अब ये फिर ये देख पा रहे होंगे लॉक खोल रहे हैं, फैन लॉक है, पंखा लॉक है पीछे का, जो कि मोटर को ठंडा रखने में ये मदद करता है, काफ़ी मदद होता है, नहीं तो गाइज ये अगर नहीं रहेगा पंखी तो बहुत मोटर जल जाएगा ऐसे ही। तो गाइज पंखी हवा देते रहता है मोटर को, जो कि मोटर ठंडा रहता है तो जलता नहीं है। तो गाइज ये देखिए अभी हम पहले ये खोल रहे हैं पंखी को, फाइनल ये पंखी भी खुल गया गाइज। अब यहाँ भी 8 नंबर का नट रहता है तो यहाँ भी नट तीनों खोल लेंगे, फिर पीछे का ढक्कन को ये कवर को हम बाहर कर लेंगे इस तरह से, जो कि देख पा रहे होंगे गाइस पहले सारा नट को हम खोल लेते हैं इस तरह से। नट फाइनल गाइस जब खुल जाता है तो हथौड़ी से धीरे धीरे मारना होता है इस तरह से, जो कि देख पा रहे होंगे इस तरह से, कहीं ज़्यादा से अगर मार देंगे तो टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम सेफ्टी से करना होता है। और यह गाइस बैरिंग वाशर है जो कि बहुत ही काफ़ी उसका महत्व है। तो गाइस यहाँ पर फिर हम नीचे ये पटक रहे हैं, पटकने से ये आसानी से खुल जाता है जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब ये भी हमें खोलना है तो फिर पटके खुल गया। तो गाइस फाइनली ये अब सारा सेट खुल गया, तो देखिए गाइस कबाड़ी लग रहा है पूरा, लेकिन गाइस ये देखिए वाशर जो था गाइस उसी का महत्व है, इसलिए खोलना पड़ा। उसको क्या जाता है चलते चलते तो उसको लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस ये वाल्व सील फाइनल हम नया निकाल लिए, जो कि 19 mm का वाल्व सील है, जो मार्केट में मात्र 40 से 50 रुपये में कहीं भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो गाइस 50 रुपये में खुद से लगा कर क्यों ना मोटर का पानी बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए। तो गाइस यह वीडियो एंड तक जरूर देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे हम किसी भी मोटर में अगर प्रेशर कम रहता है या पानी कम देता है या पानी साफ देता ही नहीं है तो इस तरह से वाल्व सील लगा लो 50 रुपये में, लेकिन काफ़ी बेहतरीन वर्क करने वाला है गाइस, जिसमें भी आप देख सकते हैं जब हम इसको लगाएंगे
काफ़ी एकदम बेहतरीन पानी एक बार में उठाएगा, जो कि देख पा रहे होंगे। और गैस ये लगाने का जो तरीका है आप देख ही पा रहे हो कि ग्रीस दे दिए हैं ग्रीस, ताकि सामान थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग जाए, अपने जगह पर एडजस्ट हो जाए। तो गैस ये फाइनल हम पत्थर पर ठोक रहे हैं ये रख कर, इससे नहीं हुआ तो गैस अब हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं इसको लगने के लिए। तो गैस हम यहाँ अब देखने वाले हैं हम क्या लेंगे, पेचकस का जो होता है ना गैज पकड़ने वाला, उसी को हम लेकर अभी करने वाले। तो गैज फाइनल ले भी लिए हैं। तो गैज ये देखिए काफ़ी इजीली वहाँ पर अपने जगह पर पत्थर बैठ जाता है इस तरह से, जो कि देख पा रहे होंगे गैज बैठ गया है। फाइनल अब हम सापट को लगा रहे हैं, बैरिंग वगैरह इसका सही था, वैसे अगर ख़राब रहता है तो वहाँ से बैरिंग चेंज भी कर सकते हैं या तो ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। हालाँकि इसका बैरिंग टोटल कम्प्लीट है, इसलिए हम लगा दिए हैं गैज फाइनल। गैज अब इस टीयर पे हम रख रहे हैं ताकि कम करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो गैज ये छोटा सा टीयर पे रख के, तो गैज ये अब वालसिल का पत्थर देख रहे हैं, पत्थर नीचे जाएगा तब पत्थर पे पत्थर घूरते रहता है हमेशा गैज जब मोटर चलता है। तो गैज इस तरह से वालसिल को अब लगाना होता है, जो कि देख पा रहे होंगे काफ़ी इजली लग जाता है गैज इस तरह से। फिर ऊपर से गैज ये प्रेस कर रहे हैं तो ये अंदर नहीं जा रहा। तो गैज फाइनल हम एक देख रहे हैं सापट ले लिए, एक बार हमारे अंदर चले गया। ये अब सारा नट है मोटर का, जो कि टोटली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अब इसमें हम अब एम्पलर ये लॉक वालसिल लॉक लगा रहे हैं गैस। तो ये लॉक पहले खोले हुए थे, फिर लगाना ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है गैस, इसलिए इस लॉक को अभी हम डाल रहे हैं। फाइनल ये लॉक जब अंदर चले जाएगा फिर हम एम्पलर लॉक को लगाएंगे। तो गैस इसका ये देखिए गैस फाइनल ये अंदर चले गया। लॉक प्लास भी आता है आउटर इनर, वो गैस थोड़ा सा ऐसे कम हो जाता है तो इसलिए ऐसे कर लिए। तो गैज फाइनल ये लॉक अभी लगा रहे हैं, जो कि एम्पलर लॉक है, उसको इसके अंदर डालने के बाद फाइनल हम एम्पलर को लगाएंगे इसमें। ये देखिए गैस यहाँ से अभी एम्पलर को हम खोल रहे हैं एम्पलर कूलर से, जो कि कूलर में पहले लगा हुआ ही था, तो वहाँ से हम खोल लिए। अभी फाइनल खोलने के बाद यहाँ पर अभी हम सापट के अंदर हथौड़ी से धीरे 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 अंदर कर देंगे इस तरह से, जो कि काफ़ी इजली है गैस अपने जगह पे परफेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये बिल्कुल फ्री है, जो कि देख पा रहे होंगे इस तरह से टेस्ट करना होता है फ्री है या नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो गैस फाइनल अब पहले यहाँ देख पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं, मोटर में फिट कर रहे हैं, क्योंकि गैस पंप का तो काम मेरा हो गया है। तो ये वो देख पा रहे होंगे गैस वो एरो जो को दिखाई दे रहा होगा मोटा, वो ऊपर रखना होता है तभी पानी पकड़ता है, अगर नहीं रहेगा तो गैस पानी कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़ेगा। इसलिए गैस वो देख पा रहे होंगे जो तीर जो दिखा रहा है वो गैस ऊपर ही हमेशा रहना ही चाहिए इस तरह से। तो गैस ये अभी एम्पलर यहाँ से भी चेक कर रहे हैं, ये इस तरह से फिटिंग करने के बाद फाइनल गैस पीछे का वो बैरिंग वाशर लगा कर यहाँ ग्रीस दे रहे हैं, ताकि एक बार में सही जगह चले जाए, ताकि वाशर अंदर डालने के बाद इधर उधर ना जाए, इसलिए ग्रीस पकड़ा हुआ रहता है और अंदर इस तरह से डाल देते हैं। तो फाइनल गैज यहाँ पर अभी सेंटर मिलाकर इस कवर को हम पीछे से फिर ये हथौड़ी से मार रहे हैं, जो कि देख पा रहे होंगे धीरे धीरे मारना होता है, क्योंकि काफ़ी गैस ये ढलमान लोहा का होता है, थोड़ा सा अगर कस के मार देंगे तो ये टूट भी सकता है। तो फाइनल गैज यहाँ पर अभी ये देख पा रहे होंगे नट अभी लगा रहे हैं। फाइनल इस तीनों नट को कसने के बाद फाइनल अब क्या करना है गैस, तो गैस आप सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप गैस भी कर सकते हो गैस क्या करेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले हम एम्पलर को एक बार देखेंगे ये फ्री है या नहीं है घुरा करके, क्योंकि मोटर अभी जम भी हो सकता है। तो गैस यहाँ फाइनल बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा भी जम, लेकिन यह गैस हैच है, तो गैस फेवी क्यूक हम डाल रहे हैं, क्योंकि हैच है और थोड़ा सा ढीला भी है, इसके लिए हम फेवी क्यूक दे रहे हैं ताकि काफ़ी लाइफ टाइम तक ये चलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए बालू भी दे रहे हैं गैस, उजला वालू या लाल वालू कोई भी आप दे सकते हो, अगर ढीला रहता है तो आप समय पर इस तरह से। तो फाइनल गैस चेक कर रहे हैं, ये देखिए गैस काफ़ी बेहतरीन अभी घूर रहा है, ये देख पा रहे होंगे थोड़ा आवाज़ है हल्का। ये गैस अब हम रेजी बॉन्ड डाल रहे हैं कहाँ पर, तो गैस जहाँ हम ये जहाँ पर हम गैस पंप को फिटिंग करेंगे, ये चारों बगल से रेजी बोन लट्ठा काफ़ी गैस 30-40 रुपए मरम से मिल जाता है, ये थोड़ा सा भी लीकेज नहीं होने देता है, जो कि बाद में रबर बन जाता है। तो गैस इस तरह से हम रेजी बोन डालने के बाद यहाँ पर पंप को हम एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह से, पहले नट का होल हम मिला रहे हैं। होल मिलाने के बाद गैस तीनों नट को धीरे धीरे कसना होता है, जो कि गैस देख पा रहे होंगे तीनों नट को हम इस तरह से लगा रहे हैं। अब ये फाइनल कस भी रहे हैं, आठ नंबर इस सारा जगह, आठ नंबर आठ नंबर आठ नंबर
नट लगा हुआ रहता है, तो गाइज 8 नंबर से ये थोड़ा सा कस के ये हथौड़ी से फिर प्रेस करके अपने जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये गाइज फाइनल अब ये मेरा पंप कंप्लीट टाइट हो गया है। तो गाइज फाइनल एक बार पंखी हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि गाइज पंखी लगाएंगे क्योंकि पंखी का आपको बता ही दिए गाइज गर्म मोटर को नहीं होने देता, तो पंखी को अभी हम लगा रहे हैं। तो गाइज जब पंखी को लगने के बाद पंखी का ये लॉक होता है, तो पंखी का हम लॉक भी लगाएंगे क्योंकि गाइज ये पंखी को कभी खुलने नहीं देता है, तो इसके लिए गाइज लॉक बना है, तो लॉक हर हाल में देना ही है। तो गाइज यहाँ पर लॉक लगा दिए हैं। फाइनल अब हम मोटर को गाइज चेक करने वाले हैं, क्योंकि गाइज चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा ये फ्री है तो चल रहा है या नहीं। ये देखिए गाइज काफ़ी एकदम बेहतरीन वर्क कर रहा है। तो गाइज पीछे का हम कवर लगा रहे हैं, उसके बाद गाइज ये फाइनल तीनों नट को टाइट करने के बाद गाइज फाइनल हम इसको चेक करेंगे मोटर को, ये पानी देता है, प्रेशर कैसा है, ये कितना देर में पानी देता है, इस सब के बारे में अभी देखने वाले हैं। तो गाइज काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज। अब बाहर ये देखिए गाइज बाहर का कनेक्शन अभी कर रहे हैं ये इस तरह से गाइज। पहले हम ये देखिए गाइज बाल्टी में जैसे लगाते हैं थोड़ा देर के बाद मात्र 10-15 सेकंड के बाद पानी देने लगे। तो गाइज जैसा कि आपको आज पता चल गया होगा कैसे किसी भी मोटर का हम वायल सील एम्पलर वगैरह चेक कर सकते हैं एंड वायल सील को चेंज भी कर सकते हैं, और पानी वगैरह तो आप देख ही लिए कितना पूरा फुली प्रेशर दे रहा था। तो गाइज और भी कई तरह का मोटर आता है, तो थोड़ा सा जैसे 2 HP 3 HP मोटर जो होता है थोड़ा सा उसमें एम्पलर वगैरह थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि उसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि आगे वो भी आपको बता सके। आई होप कि गाइस आज आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नए नए टेक्निकल वीडियो बनाए आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।